दोस्तों, खेल में लगभग हर रोज रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते भी हैं। वहीं अगर बात क्रिकेट के खेल की जाए तो इसमें भी ऐसा ही होता है, पर इस खेल के कई रिकॉर्ड ऐसे भी हैं जिनको बने हुए 50 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, पर ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटे। ऐसे ही एक रिकॉर्ड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें भारत के एक ऑलराउंडर ने गेंदबाजी करते हुए लगातार 21 ओवर मैडन फेंक दिए। उन्होंने लगातार 131 गेंदें ऐसी फेंकी जिन पर कोई भी रन नहीं बना। भारत के इस खिलाड़ी का नाम बापू नटकर्णी था। ये बात है जनवरी 1964 की, जब भारत का टेस्ट मैच इंग्लैंड के साथ मद्रास, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहां के ग्राउंड पर था। बापू नटकर्णी ने इस मैच में स्पिन गेंदबाजी करते हुए लगातार 21 ओवर मैडन फेंक दिए, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान टोटल 32 ओवर किए, जिसमें 27 ओवर मैडन फेंके और केवल 5 रन दिए, पर उन्हें कोई भी विकेट नहीं मिला। हालांकि दूसरी पारी में उन्होंने 6 ओवर किए, जिसमें 4 ओवर मैडन फेंके और 6 रन देकर 2 विकेट लिए। इंग्लैंड के साथ हुआ भारत का ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था, पर बापू नटकर्णी ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जो आज तक नहीं टूटा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बापू नटकर्णी का बनाया लगातार 21 ओवर मैडन फेंकने का रिकॉर्ड कौन सा खिलाड़ी तोड़ सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।